कभी कभी क्वेश्चन जैसे रहता है कि आप एज ए बीएओ, कल हमने क्वेश्चन बोला भी था, एज ए बीएओ क्या काम करेंगे, वहां पर किस प्रकार से काम करेंगे, या आपके अपॉइंटमेंट से आपको बीएओ के रूप में या एसडीएओ के रूप में अपॉइंटमेंट कर लेंगे तो क्या बेनिफिट होगा देश को, सरकार को, है ना, किसानों को क्या फायदा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का मतलब है कि इंटरव्यू बोर्ड जानना चाहता है तुम्हारा विजन, ठीक है, किस प्रकार के विजनरी आइडिया तुम रखते हो, ठीक है ना। किस तरह का तुम्हारा विजन है इसका जांच करना रहता है। आखिर अपॉइंटमेंट हम करेंगे तुमको, तुम कैसे काम करोगे, ठीक है ना। तो उसमें कुछ पॉइंट लिख लेना है। इसमें जो विजन की बात हम कर रहे हैं, तो ये विजन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, जो डिपार्टमेंट चाहती है ना, वही तुम्हारा विजन होना चाहिए, ठीक है। तो काम कैसे करेंगे या क्या करेंगे, तो उसमें तो तुमको एक चीज जोड़ना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट का विजन है, कृषि विभाग का, सरकार का विजन है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के संदर्भ में, मैं उसी के अकॉर्डिंगली काम करूंगा या करूंगी। जैसे पहला है, राष्ट्रीय औसत के स्तर तक मुख्य खाद्यान्नों का, मुख्य खाद्यान्नों की उत्पादकता को बढ़ाना, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर क्रॉप्स, ठीक है, इट क्लोज टू नेशनल लेवल और नेशनल एवरेज। पहला पॉइंट हमने कहा है कि आंसर शुड बी पॉइंटेड। दूसरा है, ओपनिंग अप ऑफ मार्केट हैज नेसेसिटेटेड इंक्रीज्ड प्रोडक्शंस एट कंपिटिटिव प्राइसेस। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य की बात यहां कर रहा है, मार्केट ओपन करने की बात हो रही है ताकि किसानों को यदि फायदा हो। तीसरा है, अडेप्टिंग एज वेल एज पॉपुलराइजिंग प्रूवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफोर्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, मार्केटिंग को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ये विजन है कृषि विभाग का, और तुम्हारा भी विजन यही होना चाहिए। ध्यान रखना है, अपने मन से बहुत सारी बातों को बोलने से ज्यादा अच्छा है जो डिपार्टमेंट का विजन है, जो डिपार्टमेंट चाहती है, वही काम हमें करना है। कोई दिक्कत है, हो जाएगा ना चीज। दूसरा, तुमको जो जो लोग ग्रुप में हैं, तो उसमें ग्रुप में अभी तुमको भेजा गया था, एक हायरकी का चार्ट भेजा गया था, हायरकी का चार्ट भेजा गया था, उसके बाद तुम्हारा सर्वे भी भेजा गया है, इकोनॉमिक सर्वे भेजा गया है। उसमें चैप्टर 3 में पूरा एग्रीकल्चर के सारे, है ना, पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, सारा आंकड़ा है, डाटा है, तो उसको लिखाने से अच्छा है कि तुम उसको वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना, तो उसको अच्छे से करोगे। अब जैसे हायरकी पूछता, सचिवालय लेवल पर क्या हायरकी है, जानते हो तुम लोग, सचिवालय में जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं सचिवालय में, उनका क्या ऑर्डर है, तो ऑर्डर जानते हो तुम लोग। तो जैसे सबसे पहला है प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी, ठीक है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी, इसमें भी होगा तुम, है ना। उसके नीचे है स्पेशल सेक्रेटरी, उसके नीचे है एडिशनल सेक्रेटरी, हिंदी में बोलते हैं अपर सचिव, अपर अवर नहीं अपर, है ना, एडिशनल सेक्रेटरी। उसके नीचे है ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके नीचे है डिप्टी सेक्रेटरी, उसके नीचे असिस्टेंट सेक्रेटरी, ठीक है, फिर इसके नीचे होता है अंडर सेक्रेटरी, अगर इसमें नीचे आएगा तो, ये तुमको दिया, ये ऐसे याद रखना है। इसी तरह से डायरेक्टर का भी है जो तुमको उसमें ग्रुप में दिया हुआ है, तो ये सब बातों को याद रखना है। तो जिला लेवल पर कृषि विभाग के पद कैसे रहेंगे, तो जिला में डिस्ट्रिक्ट, जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, ब्लॉक कृषि पदाधिकारी, है ना, सब देखे हो ना, या तुम्हारा बीएओ में नियुक्ति होती है तो प्रमोशन के क्या होगा, क्या बनोगे, तो तुमको जानकारी छोटी छोटी बातों का होना चाहिए, ठीक है, और कुछ उसमें ग्रुप में दिया हुआ भी है।